चिमनगंज थाना अंतर्गत कृष्णा विहार कॉलोनी में रहने वाली 3 साल की मासूम को अज्ञात शख्स बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात घर में घुसकर उठा ले गया। हालांकि परिजनों और रहवासियों की सतर्कता के चलते कुछ ही देर में बच्ची मिल भी गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, जिसमें एक अज्ञात शख्स बच्ची को गोद में उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मामले में चिमनगंज पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। दरअसल दारू गोदाम के पास कृष्णा विहार कॉलोनी में एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन का काम करने वाले संजय उर्फ सोनू चंद्रावत रहते हैं। उनकी करीब 3 साल की बेटी प्राची बीती रात मम्मी पापा के पास सो रही थी, तभी बुधवार गुरुवार के दरमियानी रात 3:30 से 4 के बीच अज्ञात व्यक्ति घर के पिछले हिस्से से अंदर घुसा और बच्ची को उठाकर ले गया। कुछ देर बाद जब बच्चे की मां दिव्यांशी की नींद खुली और उन्होंने प्राची को अपने पास नहीं पाया तो शोर मचाया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना देते हुए कॉलोनी वासियों की मदद से आसपास तलाश शुरू की। परिजन प्राची को ढूंढ रहे थे, तभी घर के पीछे करीब 50 मीटर दूर एक अज्ञात व्यक्ति अंधेरे में बच्ची को लेकर बैठा दिखा। जैसे ही लोगों ने उसे आवाज लगाई तो वह बच्ची को छोड़कर भाग निकला। मामले में चिमनगंज पुलिस प्रकरण दर्ज कर जांच कर रही है। अभी अज्ञात है, पता नहीं पड़ा है। हम रात को 2 बजे सोए थे, वो रात को सोने के बाद रात को 2:30 या 3 के बीच में वो कोई घर में घुसा था पीछे रास्ते से, वो बच्ची को उठा लेके गया था। सीसीटीवी सामने है, क्या कुछ दिख रहा है सर? अभी तो कह नहीं सकते, सेगा साफ नहीं है और आगे चल रही कार्रवाई। कैसे आपको बच्ची मिली फिर, किस तरीके ढूंढा वो? हम ढूंढ रहे थे, मैं तो थाने पर था, मेरी वाइफ का पाकी पका मोहल्ला था, वो फिर उनको ढूंढा तो मतलब पीछे नाला है उधर मिला जोड़ो चिल्ला जोड़ो ना, तो वो भग गया। कितनी दूर लगभग मिली बच्ची? रात में चिमनगंज थाना को सूचना मिली थी कि एक छोटी बालिका है 2.5 साल की, वो अपने घर से नहीं मिली है, जिसके उपरांत पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, FIR लॉन्च की गई और जब तलाश किया गया तो जो बच्ची थी उसको अपने घर के पास से ही रिकवर किया गया है। अगवा करने के संबंध में अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, अभी उसकी विवेचना की जा रही है और बेटी है जो उसको रिकवर किया गया है।